अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज। मैं पार्क व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और अपशोर सदा की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं, मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स कार रह चुकी है और मैं 3 या 4 दफ़ा ये गाड़ी तकरीबन रख चुका हूँ। और कोशिश करेंगे, मेरे साथ आज समी मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, जो मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस था वो भी मैं साथ साथ कोशिश करूँगा आपसे शेयर करें। तो समी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सुनील, अच्छा सबसे पहले मुझे बताइएगा हमारे यूजर्स के लिए कि आपकी गाड़ी का मेक मॉडल वेरियंट क्या है। सुनील सर, ये BMW 525 आई है, ठीक है, 2008 मॉडल, सही है। आप फुल ऑप्शनली पुश स्टार्ट सनरूफली, ठीक है। इसको मेरा ख्याल है, अगर चेसिस दुनिया में जो लोग कहते हैं, इसको E60 भी बोलते हैं, और ये 2003 में आई थी, और पाकिस्तान में जो ज़्यादातर इसमें आई थी, इसमें डीजल वेरिएंट भी आया था, 525D भी आता था, 520 भी था, 530 भी था, और पेट्रोल में आने वाली जो इनिशियल वेरिएंट थे उसमें ज़्यादातर 523 और 530 आए थे। 525 UK से आई थी, ये गाड़ी भी 525 है, आई बिलीव ये UK इम्पोर्ट वाली गाड़ी है जी। बड़े ने ज्यादा नहीं दे दिए? अच्छा चलो, 2 कट कर लेने। हाँ, अच्छी प्राइस चाहिए? हाँ भाई। तो अभी पार्क व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। तो ये गाड़ी आपके पास अभी कब से है? 1 साल हो गया। सुनो सर, 1 साल हो गया। अच्छा, आप लोगों को मैं डांस करता शायद नजर आ रहा हूँ, तो मैं आपको पहले बता दूं कि गाड़ी आपको शायद अभी तक एक्सपीरियंस करने दिखाया हम लोगों ने वीडियो में। तो ये गाड़ी कॉइल ओवर के ऊपर है और ये बहुत ज़्यादा नीचे की हुई है, और ये अगेन इस गाड़ी को आज फीचर करने की एक तो मकसद ये था कि पहले हमने यूज़र रिव्यू कोई किया नहीं है, लेकिन कॉइल ओवर के साथ है तो और भी मजीद मज़ा आ जाएगा, पूछ लेंगे भी क्या परेशानी और है। तो समझ भैया, 1 साल हो गया आपको ये गाड़ी लिए हुए, आपने 1 साल पहले ली थी, कितने की ली थी ये गाड़ी? सुनील सर, ये गाड़ी आपको ना कंडीशन के हिसाब से 24 लाख 25 लाख के राउंड अबाउट भी मिलती है, लेकिन अगर कंडीशन अच्छी हो ना तो 29 लाख 30 लाख के राउंड अबाउट आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी। ठीक है, तो ये पिछले साल आपने 29-30 लाख रुपए में खरीदी, आप मार्केट में कोई खास गाड़ी लेने के लिए गए थे या आपके पास एक बजट था कि मैंने 30 लाख में लेनी, और आपने कहा चलो यार ये बड़ी बेहतरीन बाय है ये लेते हैं? सुनील सर, मेरा ना पहले मूड था मार्केट्स का, ठीक है, मैंने मार्केट्स बहुत ज्यादा ड्राइव की है, मार्केट्स अच्छी गाड़ी है, लेकिन ना जो जर्मन गाड़ी की ड्राइव है ना जी जी, वो टोयोटा नहीं प्रोवाइड कर सकता आपको। अच्छा। जर्मन गाड़ी की जो एक फील है और जो स्टेबिलिटी है लॉन्ग पे, सही है, वो जर्मन की ही है, दैट्स व्हाई मुझे जर्मन ही पसंद थी, मैंने जर्मन ही लेनी थी। ठीक है, सो आपने जर्मन ही लेनी थी, वरना मार्केट्स भी इसी प्राइस टैग में आती है, वो भी बड़ी अच्छी गाड़ी है, और उसको भी अगर तैयार करना तो मेरे ख्याल से तैयार करने के लिए एक इजी टारगेट ये लगता है कि उससे जितने मर्जी पंगे ले लो, जर्मनी की गाड़ी से पंगे लेने का तंग नहीं करती। अच्छा, अभी आपने जर्मन गाड़ी में ज्यादातर लोगों को मसाइल ये होता है कि जब वो पुरानी होती है ना तो उसमें एरर बड़े आने शुरू हो जाते हैं, सेंसर्स बड़े खराब हो जाते हैं, और आपने कॉन्ट्रेरी टू द नॉर्मल व्यू, यानी कि इंसान जो नॉर्मल सोच में सोच रहा होता है, आपने एग्जैक्ट उसके अपोजिट से पंगा ले लिया। मैं इसको पंगा प्रायोरिटी कहूंगा। तो पहली बात तो आपने इसको कोई नाम दिया गाड़ी को? नहीं, मैं इसको E60 कहता हूं। E60 कहते हैं। तो ये आपको ज़ेन में आइडिया कैसे आया कि इसको डाउन टू अर्थ करें? लोगों को डाउन टू अर्थ होने के कहने के, चलो यार थोड़ी आईजी ले उसी गाड़ी से क्यों ले आए? सुनील सर, देखिए पता क्या बात है, अब आप पार्क व्हील्स पे देखते हैं, पहले जो पार्क व्हील्स आते थे तो लोगों ने होंडा टोयोटा बहुत ज्यादा की हुई थी, चाहिए, ठीक है, मैं चाहता था कोई डिफरेंट लीग की गाड़ी लेके डिफरेंट लीग से डाउन करूं, ताकि पता चले कि यार कोई चीज रेडी हुई है। E60 अभी तक ना लोगों के पास इतनी है, पाकिस्तान में भी इतनी नहीं है, सही है, बहुत कम है, और ना किसी ने ड्रॉप तो अभी तक की ही नहीं, तो मेरा ये मोटिव था कि मैं E60 लूं और इसको ड्रॉप करूं, कोई यूनिक और डिफरेंट प्रोजेक्ट हो। ठीक है, अच्छा अभी ड्रॉप के ऊपर भी आते हैं, ड्रॉप में एक और चीज नहीं कह रहा, जब पुरानी होती गाड़ियां तो इनके शौक से लोगों को वैसे होता है खराब हो गए, तो जब ये आपने कॉइल ओवर्स पे इसको लेकर गए हैं और इसकी जो बाउंस थोड़ा डिफरेंस होगी, जो एक लग्जरी थी, कितनी को कॉम्प्रोमाइज हुई एज कम्पेयर टू जो इसकी पहले स्टॉक में लग्जरी थी? सुनील सर, स्टॉक पे तो बहुत लग्जरी गाड़ी थी, लेकिन इस टाइम भी फिर भी बहुत लग्जरी, अगर आप होंडा टोयोटा से कंपेयर करें तो बिल्कुल ही झटके, वो तो बहुत झटके, कमर दर्द शुरू हो जाती, लेकिन जो ये एग्जेक्टिव क्लास गाड़ी है इतना फील नहीं कराती, आप भी बैठे देख लें लॉन्ग पे गाड़ी है, लॉन्ग ही किस्म का इसके लिए, तो इतना फील नहीं हो रहा कि अगर आप गाड़ी ड्रॉप है कॉइल्स पे है कि बम्प ज्यादा महसूस नहीं होते। ठीक है, और स्पीड ब्रेकर और ये रोड ब्रेकर और ये सड़कों पे खड्डे हैं उनसे कैसे फेस करते? सुनील सर, ये मेरी डेली गाड़ी नहीं है, ठीक है, इसको मैं वीकली चलाता हूँ, सही है, कभी कभार ऑटो शोज वगैरह के लिए रेडी की है, वैसे मेरे पास डेली के लिए गाड़ियां हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ ऑटो शोज के लिए या MM आलम गुलबर्ग इस तरह के एरियाज में चले जब स्पीड ब्रेक नहीं, रोड अच्छी है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि इस गाड़ी के आप चले तो कॉइल ओवर्स की डिस्कशन होती है, जनरली अगर बात करें E60 की तो आपको इसकी क्या फ्यूल एवरेज मिलती है? सुनील सर, इस टाइम ये AC के साथ 10.4 का है। अच्छा, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, काफी लोगों को गलतफहमी होती है, लोगों को लगता है 6-7 करती है, मेरा भी आईडिया ये था कि 525 530 10 से 11 की एवरेज बड़े आराम से करती है, बहुत आराम से करती है, और इनकी AC की परफॉर्मेंस जो है वो कमाल होती है, कमाल है। मेरे ख्याल से तो जर्मन गाड़ियों का सबसे जो एक पॉजिटिव पॉइंट है, इनका AC बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, अगर हम इसमें ऑप्शंस की बात करें, सनरूफ है, इसमें सेफ्टी ऑप्शंस के लिए कर्टन एयर बैग्स हैं, साइड एयर बैग्स हैं,
और इसका वुड ट्रिम आता है, ये भी जेन्युइन है। इसकी जॉयस्टिक के जमाने में जब आई थी तो बड़ी नई नई थी, लगती कि इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम वगैरह चलाने के लिए। बट ये जो इसकी स्क्रीन है ना, इस पे कभी कभी वार्निंग आ जाता है विजिट वर्कशॉप जब वो आती है ना, तो बंदे को तकलीफ हार्ट अटैक हो जाता है कि क्या किया। अच्छा, और कोई आपको इस गाड़ी के साथ कोई डिफिकल्टी पेश आई हुई जब आपने ली थी, उसके बाद कोई काम कराना पड़ा? सुनील सर, जब ये मैंने गाड़ी ली थी ना, तो इस पे मुझे 3-4 लाख रुपए लगाना पड़ा। अच्छा, ठीक है, ये भी अच्छा है कि आपने बता दिया लोगों को, वरना लोगों को लगता है कि शायद। लेकिन मेरा कहना है कि एक दफा 3-4 लाख लगा दें, फिर लंबा सुकून है। लंबा सुकून है, मैं इसको नॉर्थ भी लेके गया हूं। 3-4 लाख में क्या क्या कराया सर? इसके ना एक ना एक इसकी जो मेन पुली होती है ना, उसके अंदर एक सील होती है जो आपके जनरेटर को घुमा रही होती है, जो आपके ऑयल पंप को घुमा रही होती है। उसकी मेन पुली की जो सील थी ना, एक वो लीक थी, ठीक है। एक इसका एंगल सेंसर खराब था, स्टीयरिंग एंगल सेंसर, जिससे आपकी ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट एक वो ट्रायंगल बनी आ जाती है, 3-4 लाइटें कट जाती है ऐसे ही। ये सारी बीएम्स को बीमारी है, और मेरी Z3 में अभी भी है वो, स्टीयरिंग एंगल सेंसर उसका खराब है। ये सारी बीएम्स को 5 हो 7 हो। अच्छा, और सुनील सर, मुझे इसका एयर फ्लो का शुरू में मसला आया था, ये गाड़ी मिट्टी बर्दाश्त नहीं करती और मैस एयर फ्लो सेंसर। अगेन ये जो आप बता रहे हैं, मैं यूजर आप सबको बता चलूँ, ये तमाम जर्मन गाड़ियां जितनी, अगर आप पुरानी मर्सिडीज भी ले लेंगे, बीएमबी लेंगे, मैस और एयर फ्लो सेंसर पहली चीज है जो खराब होता है इन सारी गाड़ियों का। फिर इनकी जितने जितने पार्ट्स बता रहे हैं, पुलिस मर्सिडीज के अंदर भी नोन इशू है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर तमाम बीएमडब्ल्यूज के अंदर नोन इशू है। तो ये आप तैयार रहें अगर आप ऐसी कोई गाड़ी ले रहे हैं। बट अगेन इट्स वैल्यू टू मनी, मतलब जिस प्राइस पे आपको अगर मार्केट्स और ये मिल रही हैं, तो दोनों के सेफ्टी स्टैंडर्ड, कम्फर्ट और लग्जरी का जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा जी, और तो कोई काम नहीं कराना पड़ा सुनील जी? उसके अलावा मैंने इसका पूरा सस्पेंशन करवाया, ठीक है, सारा सस्पेंशन, इसके जो था स्टीयरिंग रैक वगैरह। एक इसके अंदर सबसे ज्यादा आता है इसके जो कंट्रोल आर्म्स हैं, जब ब्रेक मारो एक तरफ का ज्यादा होता है, वो टक करके आवाज आती है, वो होता था जी, वो हल्का सा बंदा ब्रेक पड़ लेना तो आपको हल्की सी फील होती है। ये भी बीएमएस के साथ मेरा ख्याल है कि ये इनकी गुट्टी में शामिल है कि कोई भी बीएमएस में होना ही होना ये खराब, क्योंकि इसके सिल्वर के कंट्रोल आर्म होते हैं, फिर वो पूरा चेंज होता है, उसमें आप खाली बुश नहीं डलवा सकते, पूरा कंट्रोल आर्म डालना, पूरा कंट्रोल आर्म डालना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गए तकरीबन वो थी। और सामान की अवेलेबिलिटी के क्या हालात थे? मिल जाता कि आपको मंगाना पड़ा? कुछ मिल जाता है, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है, कुछ दुबई से मंगवाना पड़ता है, ठीक है। कितनी जो ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा, उसमें से कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे नहीं मिलती? मतलब इसकी लाइट्स नहीं है यहाँ पे, इसके फ्रंट के रेयर, फ्रंट रेयर कोई लाइट नहीं। अच्छा, इस गाड़ी की सबसे बड़ी खूबसूरती जिस जमाने में आई थी ना, इसकी हेडलाइट और जो इसके जो आईब्रोज बने हुए थे ना, जो इसके इंडिकेटर के थे, वो मुझे याद है 2005 में दीवान से खरीदी थी मैंने गाड़ी, उसमें 0 मीटर आई थी, तो उसकी जो खूबसूरती थी ना, वो उसकी जो आगे ऑरेंज LED जलती थी और पिछली लाइट्स के अंदर भी बड़ी खूबसूरती थी, तो इस गाड़ी की ब्यूटी इसकी लाइट्स हैं। तो आपने कहा लाइट्स नहीं मिलती, वो मंगानी पड़ी। बाकी सस्पेंशन के पार्ट्स और ये वो? सस्पेंशन के पार्ट्स पाकिस्तान में अवेलेबल है, काफी हद तक, बहुत ज्यादा डीलर बैठे हैं, कॉस्टली हैं, कॉस्टली है। और सिर्फ एक ही मिलते हैं कि यानी आपको अल्टरनेट भी मिल जाते हैं अगर ओरिजिनल के अलावा भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर है? कुछ भी नहीं, इसका ओरिजिनली सामान डलेगा तो उसकी लाइट्स बंद होंगी, नहीं तो उसकी लाइट्स ऑन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद एक साल हो गया है, उसके अलावा आपने जो कॉइल ओवर डाले, ये भी रेडिली अवेलेबल थे कि इसमें भी कोई आपको बड़ा मुश्किल से मिले? ये दुबई से मंगवाए मैंने, दुबई से मंगवाए जी, ठीक है। और उसके बाद कोई काम नहीं कराना पड़ा? उसके बाद कोई काम नहीं कराना पड़ा, मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैं बहुत हैप्पी हूँ इसके साथ, ठीक है। अच्छा, अगर कभी आपने नॉर्थ वगैरह आप कहते गए थे तो इसी हाइट पे गए? नहीं नहीं, साइड पे नहीं जाते सुनील सर, वो गाड़ी तब स्टॉक नॉर्मल कर लेते हैं। हाँ, नॉर्मल कर लेते, स्टॉक हाइट पे थी और उसको ना इसके जो ओरिजिनल रिम्स आते हैं ना वो लगाए हुए। अच्छा, अभी आपने जो रिम है ये चेंज किए हैं? जी, ये 19 इंच के, ये 19 इंच के, और 8.5 जी है क्या? ये 9.5 बैक है और 8.5 फ्रंट है, ठीक है, स्टैगर्ड है, 9.5 और 8.5 है। अच्छा, एक मैंने लोअर गाड़ियों के साथ एक और मसला भी देखा, काफियों के साथ है, आपके साथ भी शायद होगा, टायर बहुत फटते हैं, टायर बहुत फटते क्योंकि लो प्रोफाइल टायर होते हैं, आपको तो पाकिस्तान की रोड जैसी नहीं है कि हम यहाँ पे ड्राइव कर सके। सही है, तो कितने को सेट डाल चुके हैं अब तक? मेरा तीसरा सेट है, तीसरा सेट है। अच्छा, एक्स्ट्रा लेके रखते हैं क्या करते हैं? आजकल तो टायर ही बड़े महंगे हैं, बहुत महंगे, मैंने अभी भी एक्स्ट्रा टायर लेके रखे हुए हैं, ठीक है, खुदा ना खास अगर फटे तो मैं डाल सकूं, मुझे कोई जलालत ना हो। अच्छा, मेंटेनेंस का आपने बता दिया, इसकी जो आम रेगुलर ऑयल सर्विस वगैरह है वो भी लोगों से अगेन बात करते हैं, नॉट फॉर इतनी शो कार के लिए, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, लोगों का ख्याल है जर्मन गाड़ी बहुत महंगी है कॉन्ट्रेरी टू माई बिलीफ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका जो ऑयल चेंज वगैरह है वो कितने माइलेज पे होता है और क्या कॉस्ट करता है? मेंटेनेंस इतनी महंगी नहीं है इसकी, सही है, अगर गाड़ी आपने अच्छी ली है तो आपको तंग नहीं करेगी, अगर आपने गाड़ी अच्छी नहीं ली तो आपको बहुत तंग करेगी, फिर वो वर्कशॉप से बाहर नहीं आएगी, ठीक है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट सिर्फ इतनी है कि इसका 4-5 हज़ार रुपये का, मैं कहता हूँ फिल्टर, आई थिंक सो, सही है, उसके बाद 16-17 हज़ार रुपये का इसका लीक्वे मूली मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, जर्मन गाड़ी है, मुझे हर किसी ने ये प्रेफर किया कि लीक्वे मूली ही यूज़ करता। 10,000 किलोमीटर पे चेंज करते हैं? नहीं, 7,000। 7,000 किलोमीटर पे तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये लगते हैं जी, 15-16। तो 2-2.5 रुपए पर किलोमीटर बना, जो कि अगेन अगर आप करोला सिविक भी चला रहे हो तो 1.5-2 रुपए तो वो भी पड़ती है। सो मेंटेनेंस वाइज इतनी महंगी नहीं है जी, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इशू है, महंगे हैं, बट येट हर चीज़ के लिए कोई ना कोई कॉस्ट होती है। अगर आपको एक जर्मन गाड़ी का और एक खूबसूरत E60 चलाने का मजा लेना है एज अपोज टू एनी जापानीज कार, आजकल तो देखें इस प्राइस में क्या आता है,
30 लाख रुपए के अंदर ना तो आप यारिस ले सकते हैं, ना आप सिटी ले सकते हैं, ना आप एल्समैन ले सकते हैं. द ओनली चॉइस इन 3 मिलियन और अंडर वो तो हैचबैक्स ही हैं. हैचबैक्स ही हैं और मतलब वो भी हैचबैक तो हैं बट उसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, नॉइज कैंसिलेशन, मतलब आप बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा लगाएं कि अभी हम जब रिव्यू कर रहे हैं तो कितने मोटरसाइकिल साथ में जा रहे हैं, कोई आवाज नहीं, कोई नॉइस नहीं. अगर आप लोकल लेटेस्ट सिविक के अंदर भी होंगे ना तो आपको आवाज अंदर टी टी पापा उसका बहुत मसला है, सरदर्द शुरू हो जाता है, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बड़ा फर्क हो जाता है. ऐसे ही है. सो इसके इसके अलावा आपने पार्क व्हील की कोई सर्विस यूज किया है? पार्क व्हील हम सर पार्क व्हील से यूज करते हैं. मैंने ये गाड़ी भी पार्क व्हील से ली हुई है. अच्छा, और कुछ सर्विस हमारी इंस्पेक्शन सर्विस या ऑटो स्टोर को कभी इस्तेमाल करके देखा? जी एक दफा मैंने इंस्पेक्शन इस्तेमाल की थी, बहुत अच्छी थी वो. सुना है कि बहुत ज्यादा गलतियां निकालते हैं? गलतियां बहुत निकालते, कई दफा भी गाड़ी रह भी जाती है. अच्छा, नहीं तो बहुत अच्छी बात है ना, बायर को तो पता होना चाहिए क्या क्या छोटी छोटी गलतियां. हाँ जी. सो खैर यूज मैं आप लोगों के लिए बता चलूँ कि अगर आप भी यूज गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस जरूर कॉल करें, जो कि आपको 200 प्लस 10 पॉइंट्स के ऊपर जो है ना गाड़ी का कंप्लीट चेकअप प्रोवाइड करती है, जिसमें इंजन, सस्पेंशन, पेंट, बॉडी, टायर. अर्ज ये कि आप अपने घर में बैठे हुए आपको पूरी गाड़ी का जो है ना ईची बीची पता लग जाती है. और इंस्पेक्शन बुक करने के लिए जो तरीका है वो आप iOS एंड्रॉइड के ऊपर हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर 0422111943357 के ऊपर कॉल करके भी इंस्पेक्शन जो है स्केड्यूल करा सकते हैं. ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, अक्सर लोगों के अंदर ये परेशानी होती है कि जी मैंने आज गाड़ी लेनी और आज ही चेक करा लें, ऐसे नहीं हो सकता. आपको थोड़ा बहुत एडवांस थिंकिंग करनी पड़ती है, बुकिंग करानी पड़ती है, बिकॉज ये सर्विस बहुत ज़्यादा इन डिमांड होती है, तो 1 से 2 दिन का वेट होता है. तो अगर आपने भी गाड़ी इंस्पेक्ट करानी तो टाइमली जो है अपनी इंस्पेक्शन बुकिंग ज़रूर करा लें. ये तो आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा. कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा कीजिए. हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाएं. आपसे दरख्वास्त है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे. आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकलों का ख्याल रखिएगा. शुक्रिया.